आप मेहनत करें और पैसा आपकी जिंदगी में आ रहा है तो वो है आपकी एक्टिव इनकम। लेकिन एक्टिव इनकम के ऊपर अगर रहेंगे तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम कभी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। मुझे काफ़ी बार लोग सवाल करते हैं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मैंने 19 साल की उम्र पे मर्सिडीज़ खरीदी, या फिर अभी मैं एक लैंड रोवर को ड्राइव कर सकता हूँ, या जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करूँ, या 16 लाख का एक मैंने बाइक खरीदा जो एक नॉर्मल इंसान के शायद सालाना इनकम भी नहीं होती है। दोस्तों, अगर आप भी एक्टिव इनकम के ऊपर निर्भर रहेंगे तो ये लग्जरीज को आप कभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आपको पैसिव इनकम की ओर आगे बढ़ना ज़रूरी है। पैसिव इनकम का मतलब होता है कि आप कुछ ना भी करें तो भी आपकी ज़िंदगी में पैसा आ रहा है। आज आपके साथ मैं 12 ऐसे तरीके शेयर करने के लिए जा रहा हूं कि जिससे आप अपनी जिंदगी में पैसिव इनकम को क्रिएट कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम सनी देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले, अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो फॉलो बटन और सब्सक्राइब बटन को हिट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लाइफ चेंजिंग वीडियो रेगुलर बेसिस पर देख सके। सबसे पहले पॉइंट जहां से मैं शुरू करना चाहूंगा, एंड दैट इज रियल एस्टेट। दोस्तों, जब आप अपना पैसा अप्रिशिएटिंग चीज़ों में डालते हैं जैसे कि रियल एस्टेट, तो आप कुछ नहीं भी करेंगे तो वक्त के साथ वो पैसा बढ़ता है, क्योंकि डिमांड सप्लाई के रूल के मुताबिक पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है और ज़मीन जो है वो कम होती जा रही है। अब आपके पास जो जगह अवेलेबल है, जब आप उसे रेंट के ऊपर चढ़ा देते हैं तो आपकी पैसिव इनकम शुरू हो गई। अब जिस घर में भी आप रहते हैं, अगर उसमें एक रूम खाली पड़ता है तो वहाँ पर भी पेइंग गेस्ट के रूप में आप एक इनकम को जनरेट कर सकते हैं। सो दिस कैन बी अ वेरी बिग सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। सेकंड मैं आपको बताना चाहूंगा, एंड जिसे मैं कहता हूं स्टॉक मार्केट। अब देखिए, अगर आप चले जाएंगे इतिहास में, जब से सेंसेक्स शुरू हुआ तब से लेकर अभी तक का अगर उसका ग्राफ देखेंगे ना, तो बस वक्त के साथ वो बढ़ते गया है। आपने कोई भी पॉइंट पर पैसा डाला हो और अगर आप लॉन्ग टर्म अपना पैसा इन्वेस्ट किए और अगर अच्छे स्टॉक्स में यानी कि अच्छी कंपनीज में आप इन्वेस्ट किए, तो वो कंपनीज ने 5 साल के अंत पर, 10 साल के अंत पर अच्छे रिटर्न्स दिए ही दिए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है पता है, कि आप अपनी इनकम में से कुछ सेव करें, अच्छी स्क्रिप्ट्स को खोजें और इन्वेस्ट करें। आपको हैरानी होगी जान करके दोस्तों, अगर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देखा जाए, जो रिटर्न स्टॉक मार्केट ने दिया है जब से सेंसेक्स शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक, तो वो 12% से भी ज़्यादा का है। अब अगर हर साल कुछ ना करके उतना रिटर्न मिले, देन दिस कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन। बट जैसे आप जानते हैं कि सोचे समझे बिना, नॉलेज के बिना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तीसरा, एंड दैट इज म्यूचुअल फंड्स। अब जहाँ पर स्टॉक मार्केट में हमारे नॉलेज की एक लिमिट आ जाती है, वहीं पर म्यूचुअल फंड हमारी हेल्प कर सकते हैं। अब देखिए, म्यूचुअल फंड इज़ नथिंग बट कि देर आर एक्सपर्ट्स की जो हमारा पैसा सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं और वक्त के साथ हमें रिटर्न देते हैं। अब आपने काफ़ी सारी एडवर्टीजमेंट्स देखी होगी जिसमें बोला जाता है म्यूचुअल फंड सही है, राइट? अब आप म्यूचुअल फंड की जानकारी पा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग किस्म के फंड्स उसमें भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि डेट फंड है, बॉन्ड्स रहते हैं, इक्विटीज़ होते हैं। उसमें भी रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो आपको बैलेंस रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। बट म्यूचुअल फंड, येस, दैट्स वन मोर पैसिव वे ऑफ अर्निंग। उसी के साथ फोर्थ इज बींग एन इंश्योरेंस एजेंट। मतलब कि जब आप एक कंपनी के लिए इंश्योरेंस बेचते हैं, तो ना कि सिर्फ आप एक परिवार को सुरक्षित कर रहे हैं, बट आपने जो इंश्योरेंस बेचा, जो प्रीमियम आपने कलेक्ट किया और उसका जो आपको एक इंसेंटिव मिल रहा है, आप उसमें आगे बढ़ते हुए रेगुलर बेसिस पर रॉयल्टीज पाने वाले हैं। तो ये मेहनत एक बार की है, लेकिन जब आपके कुछ रेगुलर क्लाइंट्स बन जाते हैं, जब वो रेगुलर प्रीमियम्स पे करते हैं, तो आपकी भी एक रॉयल्टी इनकम उसमें कंटिन्यू हो जाती है। अब इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए शायद कोई कंपनी के साथ आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, उनकी कुछ ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी, बट येस, दिस इज़ अ ग्रेट वे ऑफ पैसिव इनकम, जिसमें एक बार मेहनत है और फिर रॉयल्टी इनकम आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ इन्फ्लुएंसर बनना। अब इन्फ्लुएंसर यानी कि आप सभी सोशल मीडिया से वाकिफ है, YouTube हो सकता है, Instagram हो सकता है, Facebook हो सकता है। जब आप एक सब्जेक्ट को चूज करके अपनी चैनल को शुरू करते हैं, उसमें अच्छा कंटेंट डिलीवर करते हैं, वैल्यू देते हैं, लोग आपके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और फिर साल दो साल की मेहनत के बाद जब कुछ लाख लोग आपके साथ कनेक्टेड है, देन यू कैन हैव अ ईजी इनकम थ्रू सोशल मीडिया, कि जिसमें जितने लोग आपके पेज पर आकर के आपके वीडियोज देख रहे, तो एडवर्टीजमेंट इनकम आपको मिलना शुरू होता है, या फिर कोई पेड पार्टनरशिप के मुताबिक आप कुछ इन्फ्लुएंस करें सामने वाले को कि ये प्रोडक्ट खरीद लीजिए, एंड गेस व्हाट, उससे भी अच्छा कमीशन आना शुरू हो जाता है। नो डाउट, ये सारी पैसिव इनकम के अंदर रातों रात कुछ नहीं होने वाला।
You have to first invest your time and energy, maybe some money, और फिर आप future में passive income create करें। देखिए एक बात तो पक्की है ना दोस्तों, एक बीज पहले देना पड़ेगा, फिर बाद में return में हजार बीज मिलने वाले हैं, right? So next comes here in that is sixth podcast. अब जैसे आप रेडियो जानते हैं exactly वैसे podcast is nothing but a audio format of seminars and workshops और maybe videos. तो you know रेडियो में जो गाने या entertainment है तो podcast के अंदर एक तरीके से बहुत सारा लर्निंग दिया जा सकता है ऑडियो फॉर्मेट में। अब पॉडकास्ट के अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म से जहां पर जाकर के आप अपना नॉलेज दुनिया के सामने रख सकते हैं, और ये इसलिए फेमस हो रहा है क्योंकि लोग जब ट्रैवल करते हैं, और आजकल ट्रैवलिंग लोगों का कम्यूट बढ़ते जा रहा है, तो आने जाने के दौरान जब कुछ देखना संभव नहीं है बट सुनना संभव है तो दैट बिकम्स वेरी वेरी ईजी। आजकल काफ़ी सारी बुक्स को भी पॉडकास्ट में कन्वर्ट किया जाता है एंड इट्स ईजी फॉर पीपल बिकॉज यू नो बैठ करके पढ़ने का वक्त नहीं है लोगों के पास। अलॉन्ग विद दैट सेवन्थ एंड दैट इज बुक लिखना। अब फ्रेंड्स अभी तक मैं 11 बुक्स को ऑथर कर चुका हूँ। अब एक बुक लिखना वैसे मेहनत का काम है, लेकिन अगर आपका कोई सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस है 4-5 साल का और आप उस सब्जेक्ट के ऊपर एक अच्छी किताब लिखते हैं जिसमें सामने वाले को ऐसा गाइडेंस मिल रहा है जो नॉर्मली कहीं नहीं मिल रहा, और आपने अगर अपने एक्सपीरियंस का पूरा निचोड़ उसके अंदर डाला हुआ है, देन लेट मी टेल यू दिस कि बुक एक बहुत अच्छी रॉयल्टी इनकम का माध्यम बन सकती है, पैसिव इनकम आपकी ज़िंदगी में लेकर आ सकती है। मैं सिर्फ 18 साल का था जब पहली किताब मैंने लॉन्च करी थी, और उसे लॉन्च करने के लिए अर्शद वारसी आए हुए थे, बट फ्रेंड्स तब से लेकर अभी तक इतने बरसों में जितने भी मैंने बुक्स लिखी है, एक तरीके से वन टाइम मेहनत हो गई बट उसकी रेगुलर इनकम मुझे मिल रही है। अब चाहे वो अमेजोन से किंडल वर्जन हम लोग बेचे या फिर फिजिकली कोई बुक्स मेरी खरीदे या वॉट एवर दैट माइट बी, बट बुक्स कोई भी सब्जेक्ट्स में लिखी जा सकती है। इवन अगर आपको अच्छा खाना पकाना आता है तो आप एक रेसिपी बुक बना सकते हैं, अगर आपको सेल्स आता है तो आप उसके ऊपर कोई बुक लिख सकते हैं। आप जिस भी फील्ड में हैं जिसमें आप माहिर हैं आप उसमें एक बुक को ऑथर कर सकते हैं। बट काफ़ी बार लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर बुक लिख तो दे, पब्लिशर कहाँ से खोजे? तो आप गूगल कर सकते हैं सेल्फ पब्लिशिंग इंडिया, और आपको बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे कि जिससे बड़ी आसानी से आप अपनी बुक को तुरंत पब्लिश करवा सकते हैं। एथ पॉइंट हमें बताता है कि हमें ई कॉमर्स के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। अब देखिए इंटरनेट बहुत बड़ा होते जा रहा है, अब जो रिटेल मार्केट है हमें पता ही है कि उसमें कितने चैलेंजेस हैं। लोग आज घर बैठ करके चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं, अगर सब्जियां लोग घर बैठ के खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, देन आई डोंट थिंक सो कि अब ऐसा कुछ है जो इंटरनेट पर बेचा नहीं जा सकता है। अब दोस्तों ई कॉमर्स के ऊपर लेट्स से कि आपका खुद का बिजनेस या कोई प्रोडक्ट है, अगर आप उसे इंटरनेट पर लेकर आते हैं, आप एक ऐसी वेबसाइट डिज़ाइन कर लेते हैं या ऐप डिज़ाइन कर लेते हैं जहां से लोग घर बैठ करके आपकी प्रोडक्ट्स को देख सके और खरीद सके, तो ये अगेन वन टाइम एफर्ट होगा और बेनिफिट ये मिलेगा कि पूरी ज़िंदगी आपका सेल्स जो है वो चलते रहेगा और आपका काफ़ी सारा मेहनत कम हो जाएगा। मैं एज अ बिजनेस कोच हर साल 100 से ज़्यादा बिजनेसमैन को जब कोचिंग देता हूँ दोस्तों, तो मैंने ज़्यादातर केस में ई कॉमर्स मॉडल को डेवलप कराया है, जो पुरानी सिस्टम्स थे बिजनेसमैन की वहाँ से मैं उनको यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो आप भी ये चूज़ कर सकते हैं एंड जब ई कॉमर्स के ऊपर आप अपने बिजनेस को लेकर जाए, जैसे मैंने समझाया वेबसाइट हो सकता है, ऐप हो सकता है, या फिर इवन अमेजोन या फ्लिपकार्ट के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना हो सकता है, व्हाटएवर दैट माइट बी, बट ई कॉमर्स के ऊपर आप पहुँचे तो आपका काफ़ी सारा काम आसान हो जाएगा और आपकी प्रोडक्ट इनम में भी इंडिया के लेवल पर या ग्लोबल लेवल पर भी बड़ी आसानी से आप पहुंचा सकते हैं। एंड नाइन्थ अफिलिएट मार्केटिंग। अब ये बहुत बड़ा वर्ड है और इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है। लेट्स से कि आपकी कोई प्रोडक्ट ही नहीं है तो आप क्या बेच सकते हो, तो आप दूसरों की प्रोडक्ट बेच सकते हो। दैट इज व्हाट अफिलिएट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। यानी कि लेट अस सपोज कि भाई अमेजोन के ऊपर एक प्रोडक्ट अवेलेबल है, वो प्रोडक्ट आपकी नहीं है, लेकिन उस प्रोडक्ट के बारे में आप चाहे तो ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो एक ब्लॉग या वीलॉग बना सकते हैं और उसमें उसके लिंक दे सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अगर मैं आपको इसके नीचे एक लिंक डाल करके दूँ कि भाई ये जो पीछे टीवी है इंटरैक्टिव डिस्प्ले वो कहाँ से आप बाय कर सकते हैं, या फिर मैंने कौन सा कैमरा यूज़ किया है इस वीडियो के लिए और उसका लिंक दे दूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। वैसे मैं देने नहीं वाला क्योंकि आई एम नॉट एफिलिएट मार्केटर, मैं यहाँ पर आपको वो मार्केटिंग करके दो पैसा कमाने के लिए नहीं खड़ा हूँ। बट फ्रेंड्स ये आपको खुद की प्रोडक्ट ना भी हो बट किसी और की प्रोडक्ट को अगर आप बेचना चाहते हैं, दैट्स पॉसिबल। लेट्स से कि हमारे ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होते हैं, आप हमारी ट्रेनिंग वर्कशॉप को भी बेच सकते हैं थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग, राइट? सो भले आपकी प्रोडक्ट नहीं है लेकिन आपको बेचना आता है इंटरनेट के ऊपर, देन यू कैन डू दिस।
अलॉन्ग विद दैट 10th पॉइंट एंड दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। अब दोस्तों, हमने डायरेक्ट सेल्स के बारे में जरूर सुना होगा। अनफॉर्चुनेटली ये वर्ड सुनते ही कुछ लोग भाग जाते हैं क्योंकि हमें ये फीलिंग आता है, अरे यार कोई हमें मेंबर बनाने आया है या वो पिरामिड वाली स्कीम में आया। बट लेट मी टेल यू, अगर ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग इज ग्रोइंग और नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से इट इज़ बाय द पीपल फॉर द पीपल बिजनेस मॉडल, जिसमें एक भी रुपया मार्केटिंग का ना इंटरनेट को जा रहा है, ना कोई मीडिया को जा रहा है, ना कोई सेलिब्रिटी को जा रहा है। वो सारा प्रॉफिट लोगों के बीच में बांटा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में। अब दोस्तों, ये सक्सेसफुल मॉडल है और ये मॉडल ग्रो हो रहा है। इंडिया में 2016-17 से पहले डायरेक्ट सेल्स को लेकर नॉर्म्स ठीक नहीं थे और इसलिए कुछ कंपनियां बंद भी हो गई, लोगों का पैसा भी चले गया एंड दैट इज वेयर यू नो लोगों का विश्वास इसके ऊपर से उड़ गया है। बट फ्रेंड्स, फिलहाल अगर आप सोच समझ कर कोई अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ कनेक्ट होते हैं, जिसमें पहले तो प्रोडक्ट सही होनी चाहिए, ओके, दूसरा वो प्रोडक्ट अगर हेल्थ के साथ जुड़ी हुई है तो और भी बेहतर है, क्योंकि लोगों का हेल्थ का झुकाव जो है, हेल्थ के प्रति का झुकाव वो बढ़ गया है। एंड उसका अगर बिजनेस प्लान ल्यूक्रेटिव है, उसके अंदर ट्रेनिंग मॉडल अच्छा अवेलेबल है, तो जब आप मेहनत करके एक दो साल के अंदर अपनी टीम को डेवलप करते हैं, मानो 500, 1000 या 2000 की टीम, फिर वो टीम काम करेगी और ऑटोमेटिकली आपकी इनकम बढ़ती रहेगी। सो दिस इज व्हाट नेटवर्क मार्केटिंग कैन डू फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स, राइट। एंड अलॉन्ग विद दैट 11th एंड दैट इज इन्वेस्टर बनना। यानी कि मैं आज काफ़ी सारे बिजनेसेस के अंदर एंजल इन्वेस्टर के रूप में काम करता हूँ, जहाँ पर मुझे लगता है आइडिया अच्छा है, स्टार्टअप अच्छा है, तो मैं उसे फंड करता हूँ। अब जब आप एक फाइनेंशियल पार्टनर बन जाते हैं तो ऑपरेटिंग पार्टनर अलग है, वो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है और इनकम आपके साथ शेयर हो रहा है क्योंकि आप उसके अंदर पैसा डाले हुए हैं। सो फ्रेंड्स, ये भी एक तरीका होता है पैसिव इनकम को जनरेट करने का। एंड नाउ कम्स द 12th एंड द लास्ट वन एंड दैट इज क्रिप्टो करेंसीज। फिलहाल जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं, यह वीडियो आप कब देखेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं, फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक बिल पास कर रही है, अभी भी उसके लॉज और पॉलिसीज बन रही है। जो भी लॉ आएगा उसे हम सभी फॉलो करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी कोई बिल नहीं है सामने, तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हाँ, क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं एग्जैक्टली वैसे, लेकिन क्रिप्टो के अंदर आपको समझना ये ज़रूरी है कि किसी के कहने पर कोई कॉइन बाई कर लेना उसका कोई मतलब नहीं है। पहले तो वो कॉइन इनमें इन्वेस्ट कीजिए जो कॉइन आपको समझ आए, जिसके पीछे की टेक्नोलॉजी आप समझ सके और उसके वाइट पेपर को पढ़ करके आप उसका जो रोड मैप है फ्यूचर का उसको समझ पाए, और अगर उस टेक्नोलॉजी को समझ करके आप किसी को समझा सके, ऐसे ही कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब कि देर आर मीम कॉइन्स, देर आर फनी कॉइन्स, जैसे कि डॉजी कॉइन है, मी यू नो इवन ये शिबा आईएनयू है, तो ये सारे सिर्फ टाइम पास करने के लिए बनाए गए कॉइन्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि उसमें आप अपने पैसों को डबल नहीं कर पाएंगे या बढ़ा नहीं पाएंगे, बट इट इज़ रिस्की। बट ऐसे कोई कॉइन्स, फॉर एग्जाम्पल इथेरियम, ना इथेरियम एक ऐसा टेक्नोलॉजी है दोस्तों जिसके ऊपर बहुत सारे फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, ऐप्स आ रहे हैं। नाउ इट इज़ टेक्नोलॉजिकली पावरफुल एंड दैट इज़ वन रीज़न कि अगर उसमें इन्वेस्ट किया है तो वक्त के साथ वो बढ़ भी सकता है। नाउ लेट मी टेल यू दिस फ्रेंड्स, जब मैंने आगे आपको स्टॉक मार्केट कहा, म्यूचुअल फंड कहा या क्रिप्टो करेंसी, हर एक के अंदर रिस्क इन्वॉल्व है, ये तो आप जानते हैं और ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा पैसा इसमें डूब भी सकता है, लॉस भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, जब भी आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करेंगे तो कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेने होंगे। बट मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि दोस्तों, ये सारी जगह जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे कौन से रास्ते हैं? पैसिव रास्ते हैं। क्योंकि एक बात समझ के रखिएगा, आप जो कमा रहे हैं सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे ना, तो छुट्टी नहीं ले पाओगे, आराम नहीं कर पाओगे, रिटायरमेंट की ओर नहीं जा पाओगे। इसलिए अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई कीजिए और साथ ही साथ नए जगहों से इनकम के रास्ते खोजिए। और इसमें से यू नो मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि कोई एक दो तीन चीज़ों पर डिपेंडेंट मत रहना। मैं तो चाहता हूँ कि जो लंबा सा लिस्ट मैंने आपको दिया है ना, हो सके उतने रास्तों में अपने आप को डाइवर्सिफाई करवाइए, जितने ज़्यादा रास्ते उतना बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, पैसा कमाने के लिए अगर एक ही रास्ता है और वही अटक गया तो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पेड़ है जो 1000 आम देता है, तूफान आया और वो पेड़ को गिरा दिया तो, लेकिन आपके पास 10 पेड़ है वो 100-100 आम देते हैं, टोटल 1000 ही हुआ, लेकिन तूफान में 5 पेड़ गिर गए तो भी 5 बचे रहेंगे। मतलब ये है कि कमाने के लिए दोस्तों आपके पास एक से बढ़कर जितने रास्ते होंगे ना, उतना बेहतर होगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इसमें से जहाँ तक मैं समझता हूँ, हर एक को मैंने फॉलो किया, या
एवरीथिंग, मतलब इसमें से कुछ बाकी नहीं है। आपको हैरानी होगी कि मैं कभी इंश्योरेंस एजेंट के रूप में भी काम कर चुका हूँ, मेरी बुक्स भी है, पॉडकास्ट है, ई कॉमर्स एफिलिएट मार्केटिंग मैं कर चुका हूँ, या नेटवर्क मार्केटिंग भी कभी मैंने किया है। आई एम इनटू एवरीथिंग, यू नो। सो मैं ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हमें ये लगता है कि भाई हम जब बड़े इंसान बनेंगे ना तब हमें डाइवर्सिफाई करना है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपको बड़ा इंसान बनना है तो अभी से डाइवर्सिफाई करना शुरू करो। एंड फ्रेंड्स, इफ यू हैव लर्न समथिंग वैल्यूएबल आउट ऑफ दिस वीडियो, देन मेक श्योर कि आप वो शेयर बटन को हिट करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस चीज़ों को शेयर कीजिए। देखिए, मुझे इसमें से कुछ कमाना नहीं है, ना ही कुछ मार्केटिंग करना है, ना ही कुछ मैं बेचने के लिए आया हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आपकी लाइफ बेहतर हो, और इसी के लिए ये शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी अपना करियर 17 साल की उम्र से किराए के मकान से शुरू किया था, और आज एट द एज ऑफ 34 मैं 11 बिजनेसेस ऑपरेट करता हूँ और फाइनेंशियली फ्री हो चुका हूँ। ये नॉलेज आपके साथ बांटने का बस एक अच्छा इरादा है कि आपकी लाइफ बेहतर हो। मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए कि आज से आप कौन से सिस्टम को अपनाने वाले हैं, कौन सा नया रास्ता फॉलो करेंगे, और अगर ये 12 के अलावा भी आपके ध्यान में कोई भी पैसिव इनकम के रास्ते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख करके बताइए, जिससे और लोगों को जानकारी मिले, मुझे भी जानकारी मिले। एंड फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, यू नो आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि आपने ये पूरा वीडियो देखा। आप ज़रूर लाइक बटन और हार्ट बटन को हिट कर सकते हैं दोस्तों, और हमें फॉलो करते रहिए, इसी तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए कि जिससे आप लाइफ चेंजिंग वीडियोस पाते रहे। थैंक यू सो मच।